नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाली फिल्म प्रेम गीत थर्ड की फर्स्ट वीक के अंदर कितनी कमाई हुई। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगला वीक इसका कितना ज्यादा बढ़िया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो फिल्म है उसकी स्टोरी एक्चुअली क्या है और यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या सस्पेंस डाले गए हैं, किस तरह से इसे अट्रैक्टिव किया गया है और यहाँ पे ये जो फिल्म है वो कितने ज़्यादा रिकॉर्ड बना चुकी है और लाइफ टाइम इसका क्या कलेक्शन रहने वाला है, ये सारी बातें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी मायने से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। या दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी के बारे में अंदाजा करवा देता हूँ, लेकिन आप याद रखें कि यहाँ पे हम सस्पेंस जो है फिल्म के वो आपसे शेयर नहीं करेंगे ताकि आप फिल्म देखो तो इंटरेस्ट बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले यहां पे एक राजा को दिखाया जाता है, नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगा ताकि आपको समझ में ना आए और आप सिर्फ इतने अट्रैक्ट हो जाएं कि आप देखें इस फिल्म को। और वो राजा यहाँ पे लगभग पूरी कायनात पर जहाँ इस एरिया होता है उसके ऊपर अपना राज करता होता है। उसी के अंदर एक यहाँ पे विरोधी होता है जो कि कहीं ना कहीं एक गैंग्स को लीड करता होता है और वो चाहता है कि इस राज्य पर हक हमारा है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाल चलता है अलग अलग तरह की। और इस चीज़ में यहाँ पे दो भाई होते हैं जिसमें एक प्रेम होता है और एक दूसरा उसका बड़ा भाई होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, छोटा भाई जो प्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड को दिखाया गया है, फिल्माया गया है कि जो छोटा भाई प्रेम है वो काफी ज्यादा यहाँ पे ह्यूमिलिटी भी दिखाता है और इसके साथ साथ एक वीर योद्धा भी है। और इसके साथ साथ वो किसी गीत नाम की बच्ची से प्यार करना शुरू करता है और उसके बाद वो यहाँ पे उसने कोई चीज दी थी जैसे कंगन वगैरह, वो यहाँ पे लेके जाता है उसे देने के लिए। ना केवल देने के लिए जाता है बल्कि वो उस लड़की को ढूंढ कर वो उस लड़की को प्रेम करता है और उस लड़की से शादी करना चाहता है, इस पर्पज से जाता है। लेकिन वो अपनी पहचान को छुपाकर जाता है और बाद में गीत को पता चल जाता है क्योंकि वो बताना ही चाहता था। उसके बाद प्रेम का पता चलता है एक्चुअली कि किस मकसद से आया है। वो मकसद आप फिल्म के अंदर देखिए तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और वहां पे जो दूसरी ओर जो बड़ा भाई है उसको हथियार लेने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि वो गैंग्स के जरिए जो अटैक कर रहा है उसका पता लगाने के लिए या फिर उसके साथ युद्ध करने के लिए किसी भी पर्पज से, जिससे भी उन्हें यहाँ पे हथियार चाहिए। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो उस समय प्रेम का पता चला हुआ होता है और प्रेम को कहीं ना कहीं शक होता है कि उसका पता सिर्फ उनके महल वासियों को था, बाहर के किसी बंदे को यह पता नहीं था कि सात गांव में प्रेम जाने वाला है जो कि एक राजा का बेटा है। दोस्तों, इसी की वजह से यहां पे उन्हें शक होता है। उसके बाद उसके बाप को शक होता है कि जो बंदा पहले असेंबली के अंदर था जिस समय प्रेम जा रहा था ये कह के, उस समय कौन कौन था, उसके हिसाब से वो अपना शक पूरा कर लेते हैं। इस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है। आगे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि आप फिल्म के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम जो बताने वाले हैं कि कलेक्शन कितना करा, तो मैं आपको पहले दिन का थोड़ा सा कलेक्शन का अंदाज़ा बता देता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इंडिया के अंदर पहले दिन प्रेम गीत थर्ड ने 1.12 करोड़ का ग्रोथ की थी, वहीं पे दूसरे दिन 83 लाख और तीसरे दिन 65 लाख इसने कमाए थे। अगर बात करें दोस्तों नेपाल के अंदर पहले दिन की तो 2.5 करोड़ यहां पे इसने कमाए थे, दूसरे दिन 2.20 करोड़ कमाए थे और तीसरे दिन 95 लाख, लगभग 95.5 लाख इसने कमाए थे। बॉक्स ऑफिस के अलग जिस कंट्री में यहां पे रिलीज हुई थी उसकी बात करें दोस्तों, तो पहले दिन 1.67 करोड़ इसने कमाए थे, दूसरे दिन इसने 1.23 करोड़ कमाए थे और तीसरे दिन 79 करोड़ इसने कमाए थे। एग्रीगेट यहां पे यही है। अगर बात करें दोस्तों इसकी टोटल कलेक्शन के पहले दिन की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 5 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी थी जो कि एक अच्छी फिल्म होती है यहां पे अगर नेपाल की दृष्टि से देखें। और अगर दोस्तों इस वीक की बात करें तो ये 11 करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी है फिल्म, जो कि आज तक की हिस्ट्री में नेपाली फिल्म का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर नेक्स्ट वीक के अंदर इसका पेमेंट हाफ डाउन हो, यानी कि 11 करोड़ से अगर आधा आए तो लगभग 5 करोड़ से ऊपर और रहने वाला है, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि ये 16 करोड़ के लगभग
लगभग पहुंच जाएगी। और ओवरऑल जो लाइफ टाइम कलेक्शन है इसका वो बताया जा रहा है 20 से लेकर 21 करोड़ का, जो कि एक नेपाली फिल्म के लिए और इस बजट की फिल्म के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो यहाँ पे पेमेंट है। और ये अगर बात करें दोस्तों स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीन भी काफी ज्यादा नहीं मिली थी यहाँ पे इंडिया के अंदर, मात्र 200 ही स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। इतनी छोटी स्क्रीन या फिर हम ऐसे कहें कि कम स्क्रीन के ऊपर इतने ज्यादा पैसे कमाकर इस फिल्म ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों तो अब उत्साह बढ़ेगा कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री ऑफ नेपाल के अंदर, और वो यहाँ पे अधिक से अधिक फिल्में जो कि हिंदी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म ने रास्ता दिया है कहीं ना कहीं भारत में आने का, जो कि हर कोई अब आना चाहेगा, और यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। पहली फिल्म हिट होना बहुत बड़ी बात है, दूसरी ओर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि नेपाली फिल्म काफी ज्यादा और ज्यादा बड़े बड़े हिट लाएंगी और ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़ती हुई नजर आएंगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।